दिल्ली के वेलकम इलाके से एक खबर है जिस पर हम बने हुए हैं। सांप्रदायिक हिंसा का मामला है। दो समुदायों के लोगों के बीच में झड़प हुई और ये झड़प हिंसा में तब्दील हो गई। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया जबकि 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल पार्क में खेल रहे आपसी में बच्चों में झगड़ा हुआ था और उसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आए हैं। खूब वहां पर मारपीट हुई है, हिंसक झड़प हुई है। उसके बाद की स्थिति क्या है इलाके में आप देख रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वहाँ निकल कर आया कि ये बच्चों के बीच में पार्क में खेलते हुए झगड़ा हुआ, वही एक बड़े झगड़े के रूप में तब्दील हुआ। जबकि संख्या में ऐसा नहीं है कि वहाँ जो सारे लोग थे वो झगड़े में शामिल थे। यह भी निकल कर आया कि लोगों ने बहुत अच्छा रोल निभाया, बड़े लोगों ने उनको पैसिफाई किया, समझाया और संख्या उनकी और पुलिस बल की संख्या ज़्यादा होने के कारण भी रिपीटेड कॉल्स लगी। लोगों को ये लगा कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं था। ये पार्क में खेलते हुए बच्चों के बीच में झगड़ा था और ऐसे कई लड़कों को, ट्रबल मेकर्स जो रहे, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और राउंड अप कर लिया। 20 के लगभग हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं अभी और कुछ ट्रबल मेकर्स को हिरासत में भी ले लिया गया है और कुछ की तलाश अभी जारी है। ये वाकया लगभग रात को 10 बजे का है और ये जो पार्क आप देख रहे हैं सामने, इस पार्क में रात को कुछ असामाजिक लड़के बैठते हैं, कोई शराबे पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ये उनके बीच का झगड़ा है, ये किसी जाति के बीच का, समुदाय के बीच का झगड़ा नहीं है। बड़े प्यार के साथ हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, ऐसा कोई जातिगत तनाव नहीं है। ये जो असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ पे रात को जुआ, शराब, सट्टेबाजी का काम करते हैं, इनका कोई लेन देन का झगड़ा है और ये उन्हीं के बीच का झगड़ा है। क्या घरों पर भी पथराव किया गया था? नहीं, घरों पे तो वो आपस में लड़ रहे थे, कोई पत्थर इधर उधर चला गया हो तो ठीक है, लेकिन वो कोई किसी पर्टिकुलर घर को देख के टारगेट नहीं हुआ। अच्छा, तो तकरीबन ये कितने देर चला होगा ये पूरा हंगामा? 10-12 मिनट, 10 से 12 मिनट। अच्छा, अभी क्या है सिचुएशन यहाँ पर? अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्ण बात है। पुलिस अपना काम कर रही है और जिन लोगों ने ये काम करा उन लोगों को तकरीबन उठाया और कुछ और उठ जाएंगे। तो ऐसा कुछ झगड़ा यहाँ पब्लिक के बीच में नहीं है। आवाम तो बल्कि डर रही है कि यार हमारे यहाँ कैसा हो काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हिंदू मुसलमान के बीच में कोई तनाव नहीं है।